हेलो बच्चों, आवाज आ रही सब लोगों को? गुड मॉर्निंग सुशांत, गरिमा, श्रेया, संजीत, गरिमा, गर्व, सभी लोगों गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब चंगा है? हाँ सर, कम हो जाता बेटर इन कंपैरिजन टू अदर डेज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ कभी कभी मूड स्विच फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। चलो तो अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो इस सिचुएशन में हैं जो अपनी शक्ल दिखा सके? क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मतलब बस लेटे होंगे बिस्तर पे और क्लास चालू कर दी। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी शक्ल दिखा सकते हैं? आज सब लोगों के दर्शन कर लेते हैं, मतलब जितने लोग बेटर सिचुएशन में उतने लोग अपना वीडियो ऑन करके एक बार देखो, हाय करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज करते हैं हम लोग आज, है ना? कौन करेगा? श्रेयांश आओ, वीडियो कॉल पे आओ, वीडियो कराओ। नहीं सर, इतना तूफानी नहीं करना। कोई है जो आएगा अपनी शक्ल दिखाएगा मेरी तरह? मेरी तो रोज रोज देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो स्टार्ट करें फिर। सुशांत, गर्व, मेरा इतना नेटवर्क नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके। तो क्वेश्चन कल हम लोग, मैंने आपको जो दिया था वो करा हुआ क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चंस आप लोगों से होने लग रहे होंगे ना, हो रहे होंगे ना क्वेश्चंस अब तो आप लोगों से? चलो इम्प्रूव होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संजीत, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा। उसके लिए भी उसकी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 के साथ स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 21 के संग स्टार्ट करें। चलो ठीक ठीक है। अच्छा आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या, किस तरीके से? देखो आप लोग जिस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन में सब लोग होते हैं। मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बता दूं, ठीक है, सब लोग देखो सुनो। तो कैसे थे, मैं आपको अपना स्कोर बताऊंगा रीजनिंग सेक्शन का सिर्फ, जो स्ट्रगल अभी आप लोग कर रहे हो, जो आप लोग कर रहे हो फिलहाल में, वो मैंने भी किया है, ठीक है। आप सुनो, मैंने लगातार 3 महीने इन एग्जाम से पहले क्या किया था, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देता था, दिन में कम से कम 2 या 3, मैक्सिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट देता था, मतलब 3 घंटे 3 आवर्स इसमें चले गए।
उसके बाद इनमें जो मेरी मिस्टेकें होती थी उसका मैं एनालिसिस करता था, कम से कम 2-2.5 घंटा मुझे वहां लग जाता था। तो 5 साढ़े 5 घंटे एग्जाम से 3 महीना पहले मैंने सिर्फ डिवोट किया था मॉक टेस्ट को, ठीक है। अब मेरा स्कोर था आरआरबी पीओ का, ये भी मेरा निकला था प्रीलिम्स, इसमें स्कोर था मेरा 29 out of 40, इतना अच्छा नहीं था। आरआरबी क्लर्क मेरा स्कोर था 39 out of 40, एसबीआई पीओ मेरा स्कोर था 31 out of 35, आईबीपीएस पीओ में स्कोर था मेरा 29 out of 35, आईबीपीएस क्लर्क में मेरा स्कोर था 33 out of 35, ये स्कोर था मेरा पांचों में प्रीलिम्स में, और पांचों मेरे क्वालिफाई हुए थे। ठीक, आप लोग कभी चाहोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी, अगर मेरे पास एक दो के स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीजें कैसे हुई मैं वो आपको चीज बताता हूँ। ये चीजें सबसे पहले जो होने का रीजन है ये है कि आपको ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, ठीक है। जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको इसका फायदा होगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। आप ये समझो, अगर आप 100 मॉक टेस्ट देते हो तो 100 के अंदर 35 सवाल होते हैं, 3500 सवाल अगर आप रीजनिंग सेशन के प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई रोक लेगा आपको फिर? बताओ मुझे। इसमें से कम 2500 तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ही होंगे। हाँ, इसमें कम से कम 2500 तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल होंगे, और उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं पता क्या करता था, जब मेरे ये 100 मॉक टेस्ट खत्म हो गए ना, तो मॉक टेस्ट खत्म हो गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये कोई जनरल अवेयरनेस तो है नहीं, कोई साइंस या बायोलॉजी तो है नहीं, करंट तो है नहीं कि जो मैंने एक बार कर लिया वो मुझे रट जाएगा। मैंने क्या किया था, जब इनके एग्जाम चल रहे थे एग्जाम के बीच में कुछ नहीं करता था, जो मैं मॉक टेस्ट पहले लगा चुका था उनको दूसरी आईडी से लॉग इन करके वापस से वो मॉक टेस्ट फिर से देता था और अपने स्कोर को कंपेयर करता था, तो मेरी स्पीड और एक्यूरेसी सब चीज बेटर हो गई थी। ठीक है, मैं इसका बताता हूँ आपको, आरआरबी क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में मेरे संग क्या हुआ था। ये तो मेरा 33 नहीं था, ये मेरा स्कोर 33.75 था, क्योंकि तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था सिर्फ इसमें। ठीक है, ये आईबीपीएस क्लर्क मैंने 16 मिनट में कर लिया था और ये मैंने 15 मिनट में कर लिया था आरआरबी क्लर्क, इतनी अच्छी स्पीड बन गई थी फर्स्ट क्लास। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हो। अब एसबीआई पीओ में क्या था, एसबीआई पीओ में मैंने क्वेश्चन करे थे 30 अटेम्प्ट, लेकिन मेरा स्कोर 31 कैसे आया, ये मुझे एक नंबर शायद से, एक नंबर नहीं, मेरा स्कोर, मैंने 29 अटेम्प्ट करे थे जहां तक मुझे याद था, लेकिन स्कोर 31 इसलिए आया था क्योंकि 2 मार्क्स मुझे मेरी एक्यूरेसी के लिए मिले थे, मेरी 100% एक्यूरेसी थी, 29 में से 29 सही हुए थे मेरे, तो उसके लिए मुझे 2 मार्क्स एक्यूरेसी के मिले थे। तो ये चीज भी आप लोगों के संग होंगी, और एक्यूरेसी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अभी आपको समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट्स की 100% एक्यूरेसी मिलती है उनको कम से कम 2 मार्क का बोनस मिलता है उनके ओवरऑल सेक्शनल स्कोर पे, ठीक है। और यहाँ पर तरीकों को सीखने के बाद आपको मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहा है। मैं बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप एग्जाम को क्रैक करने के क्लोज पहुंचोगे। समझ रहे इस बात को श्रेयांश, सुशांत? ठीक है, और अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि मेंस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने बेटा अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, आप लोगों के पास पता है इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाहर क्या हो रहा है वो बहुत नेगेटिव है, बहुत गलत हो रहा है दुनिया में, ठीक है, लेकिन उम्मीद करती है कि अगले 3-4 महीने जब चीजें सही हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, आपका एसबीआई क्लर्क आएगा। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अप्रैल 1 तारीख से लेकर 1 अप्रैल से करंट को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से कम 2 से 2.5 घंटा डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, बैंकिंग से रिलेटेड वाली चीजों को ज्यादा फोकस करो, उनको नोट डाउन करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक कॉपी बनानी है जहां पर डेली एनालिसिस करना है न्यूज का, ठीक है, कम से कम 2.5 घंटा डिवोट करना है इसमें, कर लो, एक बार में एसबीआई एग्जाम निकल जाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इस बात को। आप प्रीलिम्स क्लियर करके जाओगे तो मेंस में जो एक हर्डल आपके सामने होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 80-90% जो भी आपका करंट का सेक्शन आता है वहां पर आपके रिसेंट 4-5 महीने का करंट रहता है,
ठीक है। बाकी मैं आपको मेंस तक की तैयारी करा रहा हूँ, सैटरडे को क्लासेस ले रहा हूँ, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बैच भी खत्म हो जाएगा तो अभी आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे सैटरडे वाले दिन यूट्यूब पे लाइव क्लास में, और सैटरडे में मेंस की क्लास में। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि मेंस तक का मैं आपको रिज्यूम पूरा अच्छे से तैयार करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स आपको सर करा रहे हैं, बचा क्या है आपका जीएस। जीएस बेटा पढ़ लो अच्छे से, एक बार में पेपर निकल जाएगा सुशांत, साक्षी, प्रति, मंजू, सबसे कह रहा हूँ, गर्व, गरिमा। ठीक है, इस मेरी बात को नोट डाउन कर लो आज, इस बात को। ठीक है, चलो। सर हाँ सुशांत, एक पूछना था सर, मॉक टेस्ट देते हो ना रीजनिंग का? मतलब मैं तो मतलब मैथ्स का कैसे करते हैं? पहले डीआई करते हैं, पहले मरीज, उसके बाद नंबर सीरीज, सिंपलीफिकेशन, ऐसे आसान आसान करते हैं ना, वैसे मतलब रीजनिंग का कुछ करना है क्या, या एक मतलब पहले से स्टार्ट एंड तक एक साथ ही करना है देखो ऐसा है, रीजनिंग वैसे? सेक्शन में ये है कि हम हाँ लोग मैथ में वो चीज क्यों कर रहे हैं। मैथ में हम वो चीज इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे 25 स्कोर आ जाए। लेकिन आप एक बात याद रखना, रीजनिंग सेक्शन में आप, वो ऑब्वियस सी बात है, आप जो डिफिकल्ट चीज की बात कर रहे हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है। ठीक है, और कोई चीज नहीं है, वो कोई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है चीज है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते ना सुशांत। उसका वेटेज वहां 20 नंबर का है, 20 से ज्यादा नंबर का वेटेज है। तो आप उस चीज को डिले करने से अच्छा है कि उस चीज पर अपनी कमांड बना लो। अरिथमेटिक के अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो भी 25 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन छोड़ के 15 नंबर लाओगे तो कोई पेपर नहीं निकलेगा, रियलिटी है। तो इसलिए रीजनिंग सेक्शन में तो मैं तो यही करता हूँ कि जहां पहला क्वेश्चन आया करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको तब भी लग रहा है ऐसा कुछ है तो जो 20 मार्क्स के पजल सिटिंग अरेंजमेंट है उन्हें बाद में कर लेना, 15 मार्क्स का पहले पेपर अटेम्प्ट कर लो जल्दी से जल्दी। लेकिन फिर उसको ना आपको 6 मिनट या 7 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइम अपना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को डिवोट कर पाओ। और मैं तो सुशांत यही एडवाइस दूंगा कि उस चीज के लिए मत जाओ, अच्छी कमांड बनाओ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर। हाँ सर, वो तो कर दूंगा सर। और सर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है ना सर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी डायग्राम बनाने में बहुत मतलब टाइम लगता है पढ़ने में, मतलब ये इज वेस्ट ऑफ दी, मतलब कितना डिस्टेंस भी दिया होता है ऐसा, पहले तो कौन से डायरेक्शन में वो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कितना डिस्टेंस होना ये फिर से देख के देखो पढ़ना पड़ता है, देखने में टाइम एक चीज लगता है। बोलूंगा, अगर कॉन्सेप्चुअल कोई दिक्कत है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चीजें कॉन्सेप्ट में करने, दिक्कत सुशांत नहीं है। इन सब की ना प्रैक्टिस करो, लगभग 100 100 सवाल बना लो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये जो तो हाँ चीज है ना ये भी दूर हो जाएगी अपने आप। हाँ और सर क्या हो नंबर क्या नंबर अल्फा सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज में सर, नंबर हाँ सीरीज हाँ का नहीं, इसमें आता है ना रीजनिंग में अल्फा आता है न्यूमेरिक, नंबर का सीरीज, अल्फा हाँ अल्फा न्यूमेरिक का, न्यूमेरिक हाँ में, और उसमें दिया होता है कोई, अरे सुनो, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज इंटरचेंज, देन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ऑड नंबर में एक मिलाओ, इवन नंबर में दो मिलाओ, ऐसे होता है, उसमें भी टाइम लगता है ऐसे थोड़ा। उसमें और थोड़ा सा वो सर वाला जो जो अल्फा न्यूमेरिक की क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअल में मैं तो क्या करता हूँ, जो अल्फा न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन आता है उसको मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट पजल, क्योंकि वहां पर आपका 2 2.5 मिनट जाता ही जाता है, समझ रहे हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका टाइम ले ही लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, हाँ तो सर, इसलिए बोल रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे कमांड बनाओ, अगर कमांड अच्छी बन जाएगी तो 1.5 1.5 2 2 मिनट में क्वेश्चन सुनने लगेंगे आपके। हाँ सर। ठीक है, और सर चलो। हाँ इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का है ना सर, इनइक्वालिटी का अगर स्टेटमेंट अगर लंबे होते हैं और एक दो मतलब कॉमा देके एक दो स्टेटमेंट होते हैं, दो तीन, वैसे उसमें भी सर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, उसमें कुछ मतलब देखो सुशांत, आपकी कुछ जितनी भी है? दिक्कत है ना वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस और थोड़े हार्ड वर्क से। हाँ ठीक हाँ है, सर, बाकी इसके बाद मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा पजल के बाद। ठीक है, हाँ आप ठीक है लोगों का वो ठीक, टॉपिक मैंने नहीं कराया है ना, तो इनइक्वालिटी कराऊंगा, हाँ बेसिक बिल्कुल, लेवल से भी हाई लेवल तक का पूरा। ठीक है, हाँ कंसेप्ट तो सर सारे क्लियर है, बट टाइम टाइम से ही थोड़ा सा ये हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत पूछ रहा था। हाँ सर, प्रैक्टिस कर लो बस सुशांत, ढंग से अच्छे से हाँ सर सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग।
बाकी लोगों का हुआ, गर्व ने कर लिया, बाकी लोगों ने क्वेश्चन किया। ओके दीप्ति करो, और भी किसी टॉपिक में आप लोगों को डाउट हो अगर तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं इनइक्वालिटी कराऊंगा, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, बाकी मेज का जो चल रहा है वो सैटरडे को चल रहा है। बाकी कोई और भी छोटे बिट या टॉपिक में आपको डाउट हो तो मुझे आप बता देना, ठीक है, वो मैं भी वो भी चीज में कवर कर लूंगा। मेंस के मॉक भी मिलेंगे क्या सर? उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है, मेंस के मॉक के लिए एक बार, ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं मेंस का मॉक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बट एक बार मुझे पूछना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 persons are working in a company. Their designations are CEO, CMD, MD, General Manager, CFO, FO. Sequence of the posts are as above, that is the post of CEO is higher than the CMD. The post of CMD is higher than the MD and so on, the post of CFO is higher than the financial officer. ठीक है, तो पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे इनकी पोस्ट दी है उसी तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर सीनियर है, तो CEO सबसे हाई पोस्ट पर है, सीईओ के बाद कौन है, सीएमडी है, सीएमडी के बाद एमडी है, ओके सीईओ है, सीएमडी है, एमडी है, उसके बाद जीएम है, उसके बाद सीएफओ है, उसके बाद एफओ है। आगे आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है दे हैव डिफरेंट टियर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें अलग अलग वर्षों का एक्सपीरियंस है, एंड दे गॉट डिफरेंट एनुअल सैलरी, उनकी सैलरी मतलब दो पैरामीटर है हमारे पास, एक तो सैलरी और एक एक्सपीरियंस है। ठीक है चलो, Only two persons designation is lower than the person whose annual salary 7 lakh. इसका कहने, इस बात का मतलब क्या हुआ? केवल दो लोगों का designation नीचे है, किस person से? जिस person की annual salary 7 lakh रुपए है, तो 7 lakh वाला person कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बेटा, general manager. ठीक, उसके बाद there are as many posts above the post of the person whose annual salary is 14 lakh. As below the post of the person who have 7 years of experience. कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे का 14 लाख का पैकेज है, उससे ऊपर जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, उतने ही लोग उस पर्सन से नीचे हैं जिसके पास 7 वर्षों का एक्सपीरियंस है। क्या ये लाइन समझ में आई? वापस एक बार इस बात को रिपीट कर देते हैं हम। There are as many person as many post above the post of the person having annual salary 14 lakh. मतलब जिस व्यक्ति की 14 लाख का पैकेज है, उससे ऊपर जितने लोग हैं, उतने ही लोग बिलो हैं, किसके? जिस पोस्ट पर जो पर्सन बैठा है उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस। एनुअल सैलरी ऑफ सीईओ इज 6 लाख, तो सीईओ की एनुअल सैलरी कितनी है? 6 लाख है। देयर आर 3 पोस्ट इन बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एक्सपीरियंस आर 4 इयर्स एंड 5 इयर्स। There are 3 posts in between the post of the person whose experience is 4 साल और 5 साल. तो मतलब 4 साल वाले person, जिसके पास 4 साल का experience है, और जिस person के पास 5 साल का experience है, उनके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. Person whose annual salary is 14 lakh have just higher post than the post of the person who have
6 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे एक बार। जिस व्यक्ति का 14 लाख का पैकेज है, ठीक है, उसकी पोस्ट जस्ट हायर है किससे, जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 14 लाख वाला जो पर्सन है वो जस्ट आगे किसके है, 6 ईयर वाले एक्सपीरियंस के पर्सन के, ठीक है। एंड जस्ट लोअर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस, और जिसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है उससे जस्ट कम है। मतलब या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 8 साल वाला है, 14 लाख वाला है और 6 साल वाला व्यक्ति है, ये तीनों एक लाइन में लगे होंगे, पहले 8 साल वाला होगा, फिर 14 लाख वाला होगा, फिर 6 साल वाला होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक। नाउ टू पोस्ट आर बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 3 इयर्स एंड 8 इयर्स एक्सपीरियंस, जिसके पास 3 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनके बीच में कितने व्यक्तिगण हैं? टू पोस्ट आर बिटवीन द पोस्ट ऑफ पर्सन 3 इयर्स एंड 8 इयर्स एक्सपीरियंस, दो लोग हैं। पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 5 लाख हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख। तो कह सकता हूं मैं जो 5 लाख वाला व्यक्ति है उसकी जो पोस्ट है वो 9 लाख वाले से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है वो नहीं पता, है ना, लेकिन वो हायर पोस्ट पे है। पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 5 लाख हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख एंड लोअर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 4 लाख, मतलब 4 लाख वाले से कम है। तो ये सीक्वेंस होगा, जरूरी नहीं है ये लोग कंसेक्यूटिव हो, लेकिन 4 लाख वाला 5 लाख वाले से ज्यादा हायर पोस्ट पे और 5 लाख वाला 9 लाख वाले से ज्यादा हायर पोस्ट पे, लेकिन जरूरी नहीं है ये लोग कंसेक्यूटिव हो। ठीक, आगे बात करते हैं। पर्सन हु सैलरी इज 9 लाख डजंट हैव 4 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब जिसके पास, जिसका 9 लाख का पैकेज है उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, पर्सन हु सैलरी इज 9 लाख डज नॉट हैव 4 इयर्स एक्सपीरियंस। आप देखो इस चीज को कैसे पुट करेंगे, आपको पता है कि 4 लाख वाले का जो पोस्ट है वो 5 लाख से ज्यादा है और 9 लाख से ज्यादा है। तो देखो 6 लाख यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 लाख को रखता हूँ तो 4 लाख और तो कहा गया 4 लाख को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो 5 लाख और 9 लाख यहाँ पे आ सकते हैं। या दूसरी चीज ये है, देखो आप या तो 4 लाख को यहाँ पे रख सकते हो, या तो आपका 4 लाख वाला CMD होगा या तो आपका 4 लाख वाला MD होगा, क्योंकि मुझे 5 लाख और 9 लाख की मिनिमम दो जगह चाहिए ही चाहिए, तो या तो 4 लाख यहाँ पे आएगा और या तो 4 लाख आपका यहाँ पे आएगा। तो इस चीज को अभी हम होल्ड पे रख देंगे कि 4 लाख वाला मेरा दो जगह आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ओके, तो 4 साल 4 लाख वाला 5 लाख, उसके बाद ये देखो 14 लाख 6 इयर्स और 8 इयर्स। ठीक है, आप इस चीज को कैसे पुट करेंगे, 14 लाख वाले को पुट करते थे अगर, हाँ एक चीज देखो हम लोग यहाँ पर अगर 14 लाख वाला, ओके यहाँ पर मैं 4 लाख को रख सकता हूँ क्या, एक सेकेंड, 4 लाख, ओके हाँ, अब देखो मुझे यहाँ पर मैं 14 लाख रख नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं 14 लाख को यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 40 लाख से ऊपर 2 पोस्ट है और 7 साल से नीचे 2 पोस्ट है, तो वो ये 2 पोस्ट यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक, अगर मैं 14 लाख वाले को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो 40 लाख वाले से ऊपर कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, तो 7 साल वाले से भी कितने नीचे लोग हो जाएंगे, 4 लोग, तो 7 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड, 4 साल और 5 साल वाले के बीच में 3 का गैप है, तो उस 3 के गैप को हम लोग कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं। 1 2 3 4 ईयर 5 ईयर, 9 लाख वाले को 9 लाख ऐसा समझे 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। देखो इस कंडीशन को अभी इसको नहीं पुट करते, इस कंडीशन को पुट करते हैं हम लोग, इस चीज को देखते हैं, 14 लाख वाले को देखते हैं। अगर मैं 14 लाख वाले को यहाँ पे रखता हूँ, 14 लाख से ऊपर जितने लोग हैं, अगर मैं 14 लाख वाले को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो 7 साल, 14 लाख वाले से एक जना ज्यादा है, 7 साल वाले से एक नीचे हो जाएगा यहाँ पे 7 ईयर से। ठीक है, अब यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेंगे कि 40 लाख के जस्ट नीचे कौन आएगा, 6 इयर्स वाला आएगा, ठीक है, और इससे ऊपर कौन आएगा, 8 इयर्स वाला यहाँ पे आएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या 4 साल और 5 साल के बीच में 3 गैप रख सकता हूँ, तो मैं रख सकता हूँ। तो अब देखो 4 इयर्स और 3 इयर्स के बीच, 5 इयर्स के बीच में 3 का गैप था, तो 1 2 3, तो मतलब या तो मेरा 4 इयर्स यहाँ आ जाएगा या मेरा 5 इयर्स यहाँ आएगा, या 4 इयर्स यहाँ पे आएगा या मेरा 5 इयर्स यहाँ पे आएगा,
ठीक है, अब मेरे पास बचा कौन है, 8 साल 4 5 6 7, अभी मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, अब इस चीज को रखते हैं। अब देखो 4 लाख आपका यहां आ जाएगा, 5 लाख यहां आ जाएगा और 9 लाख यहां आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, 9 लाख आपका यहां आ जाएगा। 9 लाख वाले को 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब 4 साल यहां नहीं आएगा, यहां 5 साल आ जाएगा और यहां पे 4 साल आ जाएगा, 4 इयर्स आ जाएगा। अब देखो 14 लाख से ऊपर कितने लोग हैं, 1 7 साल से वाले के नीचे 1, 4 और 5 के बीच में 3 का गैप है, तो 4 ईयर और 5 ईयर के बीच में 1 2 3 का गैप है, 3 ईयर और 8 ईयर के बीच में 2 का गैप है, क्या 8 ईयर ये रहा, तो 3 ईयर आप यहां पुट कर दोगे, तो ये 8 ईयर और 3 ईयर के बीच में 2 का गैप हो जाएगा। उसके बाद 8 साल से जस्ट नीचे 14 लाख है, 14 लाख से जस्ट नीचे 6 इयर्स का है, इसको वाई कर दो, नहीं 4 लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 लाख 5 लाख से ज्यादा, 9 लाख से ज्यादा, 9 लाख, समझ आया, समझ आया, ये आपका एग्जैक्टली ये अरेंजमेंट बनेगा। समझ आया सभी लोगों को, यहां पर थोड़ा कंडीशन थी, वहां पर आपको पुट करके देखना था। ठीक है, मैंने क्या किया था, 14 लाख वाले का स्टार्टिंग में सीएमडी में पुट करके देखा, अगर वहां नहीं बनता तो फिर एमडी में करके देखते। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया। गर्व, कस्तूरी, मंजू, नीतू, प्रगति, साक्षी, संजीत, श्रेयांश, सुशांत, गर्व ने और दीप्ति ने तो कर लिया था, बाकी लोगों का भी क्लियर हुआ। चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट सैलरी, सबसे कम सैलरी किस पर्सन की है यहाँ पे, चार लाख वाला या कौन है, एमडी है। अब यहां पर एमडी नहीं दे रखा ना, तो यहां पर इसको कैसे पुट करोगे, क्योंकि यहां पर एमडी को 6 साल का एक्सपीरियंस है, द पर्सन हु हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि सबसे कम एक्सपीरियंस किसका, 3 साल का है। ठीक, नेक्स्ट, पर्सन हु इज जनरल मैनेजर, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसके पास है, तो जीएम के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, जीएम के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो। Thank you.
10 students namely EFHI, JKLM, N of 10 different colleges but not necessarily in the same order have exam on 5 different days starting from Monday to Friday of the same week at either 7 a.m. or 10 a.m. ठीक है कितने टाइम पर 7 और 10 ठीक है only 2% people have exam between j and n only 2 people have exam between j and n neither I nor k have exam on friday friday ko I na hi k inka exam nahi hai m has exam on tuesday at 7 a.m. L does not have exam at 10 a.m. मतलब L का एग्जाम कितने बजे होगा 7 बजे The number of people who have exam between K and H is same as the number of people who have exam between G and L. तो K और H के बीच में जितने लोगों का एग्जाम होगा उतने ही लोगों का एग्जाम G और L के बीच में होगा H does not have exam on any of the days after I. H does not have exam on any of the days after I. It means H has exam before I. J does not have exam on any of the days after L. J does not have exam on any of the days after L. Therefore, J has exam before L. F has exam immediately before M. M does not have exam on any of the days before K. मतलब जो M है वो उसका एग्जाम K से पहले नहीं है मतलब K के बाद होगा तो ऑब्वियसली बात है K आपका यहाँ आ जाएगा The one who has exam at 7 a.m. is immediately before N. The one who has exam at 7 a.m. is immediately before N. इसका मतलब N का एग्जाम कितने बजे है 10 बजे है इससे इतनी चीज क्लियर होती है कि एन का एग्जाम 10 बजे एच हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे सॉरी एच हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन हु हैज एग्जाम ऑन मंडे इसका मतलब एच का एग्जाम कब होगा ट्यूसडे को होगा राइट एच हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ द वन हु हैज एग्जाम ऑन मंडे इसका मतलब एच का एग्जाम कब होगा ट्यूसडे को होगा जे डज नॉट हैव एग्जाम एट 10 एएम जे का एग्जाम अगर 10 बजे नहीं है तो जे का एग्जाम कितने बजे होगा 7 बजे होगा Only three people have exam between K and I. तो एक दो तीन I आपका यहाँ आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर K और H के बीच में कितने लोग हैं दो लोग हैं तो G और L के बीच में भी दो लोग होंगे G और L के बीच में भी दो लोग होंगे ठीक है अब बात करते हैं G और J और N के बीच में दो लोग हैं L का 7 तारीख को है N का 10 तारीख को है ठीक है H से पहले I है ये चीज हो गई जीएसएल से पहले अब देखो यहाँ पर मैं जे को पुट करता हूँ 7 तारीख को तो कहाँ पुट कर सकता हूँ या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे तो अगर मैं जे को यहाँ पुट करता हूँ ठीक तो एल का 7 तारीख को था तो एल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा ठीक है जी और एल के बीच में दो का गैप है तो एक दो जी यहाँ आ जाएगा ठीक उसके बाद जे और एन के बीच में भी दो का गैप है तो एक दो एन यहाँ आ जाएगा अब बचा कौन एल का 7 को हो गया एन बचा एन 10 तारीख को एन 10 को हो गया जे 7 को हो चुका है एल 7 को हो चुका जे और एन के बीच दो का गैप है एच पे पहले आई है जे से पहले एल हो गया के जी जी एल हो गए जी एल के बीच तो अब जो एक बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे पुट कर दो कौन बचा हुआ है वो देख लो ई एफ हो गया ई बचा है ना ई नहीं हुआ ई यहाँ आ जाएगा समझ आया क्वेश्चन सब लोगों को समझ आया सब लोगों को क्वेश्चन
हाउ मेनी पर्सन्स हैव एग्जाम, अगर 7 को फ्राइडे 7 बजे बैठाया तो कैसे होगा सर? ओके दीप्ति, कितने बजे बैठाना चाह रहे हो आप उसको? जे को फ्राइडे 7 बजे, जे को अगर आप यहाँ बैठाते हो फ्राइडे 7 बजे, यहाँ पर एक चीज देखो ना, क्या नाम है दीप्ति, जे का भी एग्जाम 7 बजे, एल का भी 7 बजे है, और जे का जो एग्जाम है वो एल से पहले है ना, तो फिर ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी ना दीप्ति अगर मैं ऐसे करूंगा तो। तो फिर वही चीज है, जे यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, जी और एल के बीच में 2 का गैप, कहा गया, जी और एन के बीच में 2 का गैप। चलो आंसर बताओ, हाउ मेनी पर्सन हैव द एग्जाम एट 10 o'clock बिटवीन आई एंड एल? कितने लोगों का एग्जाम 10 o'clock को है बिटवीन आई एंड एल? तो आई और एल के बीच में, आई कहाँ ये रहा, एल कहाँ ये रहा, 2 लोगों का एग्जाम है जी और ई का 10 बजे। फॉलोइंग पर्सन हैज एग्जाम एट 7 बजे, 7 बजे कौन का एग्जाम है? के का है, के नहीं है, एम का है, एम नहीं है, आई जे एल, आई है, आई नहीं है, जे नहीं है, एल नहीं है, एल का एग्जाम है यहाँ। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो। नीतू कुछ कह रहे बेटा?
चलो कोई बात नहीं दीप्ति, इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का। पहले तो आपको टाइम दूंगा, इसको ये मेंस का क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले एक बार सब लोग इस क्वेश्चन का। ले लिया, ठीक है? एक तो इस क्वेश्चन का लिया और एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस को ट्राई करना अच्छे से, कि 24 तो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को सब लोग अच्छे से ट्राई करना, ठीक है? नहीं तो इसे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि देखो ये इस वीक हम लोग पजल कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में देखो मशीन इनपुट आउटपुट रह गया एक टॉपिक मेंस का है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है इस बैच में। उससे पहले कोई और भी आपके छोटे मोटे जो डाउट है इनइक्वालिटी में करा दूंगा, उसका रिवीजन भी करेंगे, और जहां पर डाउट आएगा पूछते जाना। अगर कोई और किसी भी चीज में अगर कोई डाउट हो अगर, तो उसको निकाल के रखो, ठीक है? उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो फिर आज सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करना अच्छे से सब लोग, इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो फिर बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।